हेलो एवरीवन, कैसे हो सब आप लोग? आशा रखते हैं सब लोगों ने लिबर्टी के साइंस का सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, पेपर 1 से 7 देख लिया होगा, राइट? अगर नहीं देखा तो फटाफट जाके देख लीजिए, राइट? और इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस के सेक्शन सी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा, इम्पोर्टेंट, एंड तक देखने जैसा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ अवर मेन थिंग, सेक्शन सी। दूसरी बात दोस्तों, सेक्शन सी के अंदर टोटल पूछे जाते हैं 9 क्वेश्चंस, राइट? और अमोंग ऑफ 9 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट टोटल 6 क्वेश्चंस, राइट? और ये 6 क्वेश्चंस को पूछने का उनका जो तरीका है, राइट, वो हर एक तरीके से कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो विदाउट मूविंग फॉरवर्ड 10x या 2x या 1.5x, ऐसा कोई स्पीड नहीं रखना, राइट? तो आराम से देखना पूरा वीडियो, ताकि आप लोगों को ये एक वीडियो देखने पे इतना क्लैरिटी तो मिल जाएगा, राइट, कि कम से कम आप लोग अपने एग्जाम के अंदर क्या करने वाले हैं, कैसा कर पाएंगे, ये सब कुछ चीजें आप लोग आराम से डिसाइड कर पाओगे। और आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या करना है, राइट? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोगों के लिए भी पेपर को सॉल्व करना और पेपर के अंदर स्कोर करना इजी रह जाएगा, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग आवर मोर टाइम, राइट, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन सेक्शन सी में ज्यादातर लेते हैं, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से और जो जो मॉडल क्वेश्चंस मिले हैं उसके हिसाब से क्या क्या चैप्टर्स इसमें होने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा चैप्टर नंबर 1, राइट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दूसरा होगा चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तीसरा होगा चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चौथा होगा चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उसके बाद होगा चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना चैप्टर नंबर 6, जो है वो है 11 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो इतने चैप्टर्स में से सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको जो बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना, किस प्रकार से उसका ट्विस्ट आ सकता है वो भी आपको काम आएगा। तो पहले यहां पे आपको पूछ सकते हैं डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका आपको डेफिनेशन पूछेंगे। और डेफिनेशन के बाद आपको ये पूछ लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ उसके साइन बताओ। तो ये रहे उसके साइन, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, ये साइन है जो आपको दर्शाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ था या तो हो रहा है, राइट? तो ये पहला क्वेश्चन 3 मार्क का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला। आपको अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन दे दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि इसको पहले इक्वेशन बनाओ। पहले आपको वर्ड इक्वेशन देते हैं और वर्ड इक्वेशन में से आपको केमिकल इक्वेशन बनाना है, और केमिकल इक्वेशन बना के बोलेंगे इसको बैलेंस करो। तो 3 इक्वेशन दे देंगे पर आपको बैलेंस करने के लिए बता दिया जाएगा, एंड देन यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, राइट? आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। तो ये और होता है, नेक्स्ट जाते हैं, ये बैलेंस वाला तो हो गया, राइट? हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको जो मेन 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शन है वो, उसके प्लस एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, राइट? इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन सिंपल होता है कि डिफाइन करो इसको, इसके 2 एग्जाम्पल दो, डेफिनेशन का 1 मार्क, 2 एग्जाम्पल का 1-1 मार्क, 3 मार्क हो गया। या तो फिर बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताओ, उसमें से कोई एक डिफाइन करो और उसका एग्जाम्पल दो, तो भी हो गए 3 मार्क, राइट? तो ये भी आप उसके अंदर देख सकते हैं, राइट? 3 मार्क के क्वेश्चन में ये भी आपको आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट? उसके बाद आप लोगों को सिंपल इक्वेशन देके कोई कोई जगह खाली छोड़ दी जाएगी। ऐसा बोल दिया जाता है कि C प्लस बैंक गिव्स CO2,
तो यहाँ पे आपको लिखना होता है, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। यहाँ पे रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोला जाता है, ये आपको बताने का 3 मार्क मिलता है। ये पहले समझाओ, समझाने के बाद उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, उसकी रिएक्शन को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बखूबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। इसमें से कुछ नहीं पूछ सकता, हाँ उसमें से ये 3 क्वेश्चन होते हैं कि वेज ऑफ डिकम्पोजिशन। तो पहला होता है हीट, लाइट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों की मदद से होने वाले रिएक्शन के एक एक एग्जाम्पल देने होते हैं, तो वो एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ये, हाँ चलो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, 3 मार्क में समझा दो, तो ये भी विथ फिगर आप लोगों को यहाँ पे समझाना पड़ता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस यहाँ पे आपको पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिफरेंशिएट करके दोनों के एक एक एग्जाम्पल, डिफरेंट करने का 1 मार्क, एग्जाम्पल का भी एक एक मार्क, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी यही रहेगा कि आपको एक दे दिया जाएगा डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और दूसरे का एग्जाम्पल। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, रिडक्शन का डेफिनेशन और दोनों के एक एक एग्जाम्पल, ये भी आपको 3 मार्क के अंदर बड़े काम की चीज हो सकती है। नेक्स्ट होता है कोरोशन रेसिडिटी, यहाँ पे आपको पूछेंगे डिफाइन करो कोरोशन को, और कोरोशन को अगर यही क्वेश्चन वो लोग अगले चैप्टर्स में से कनेक्ट कर लें, क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 3 में भी हम देखेंगे ना मेटल्स नॉन मेटल्स में, तो वहां पर भी आप लोगों को लास्ट में ये कोरोशन देखने को मिलेगा, राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस को कंबाइन करके भी पूछा सकता है कि कोरोशन को डिफाइन करो, उसको प्रिवेंट करने के तरीके बताओ, तो ये भी आपको पूछा सकता है। या तो दोनों क्वेश्चन कंबाइन पूछते हैं, राइट अ नोट ऑन कोरोशन एंड रेंसिडिटी, तो ये बहुत आपके लिए आसान तरीका रहेगा क्वेश्चंस को समझने का, राइट। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अभी एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो टिक कर लेते हैं एक बार, राइट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, और से करके आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा उसको बैलेंस करने का, 3 मार्क हो गया। ये रहा ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, जो मैंने आपको बोला था वर्ड इक्वेशन देते हैं, राइट उसको बैलेंस करने का, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, ये बैलेंस करने का, ये भी बैलेंस करने का, राइट। उसके बाद ये रहा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और टाइप बताना है, तो ये भी पूछा सकता है, व्हाई डज मेन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट डज इट मीन बाय, ओके उसका, ये भी हो सकता है 3 मार्क के अंदर, क्योंकि एक्सोथर्मिक को डिफाइन करने का 1 मार्क, एंडोथर्मिक को डिफाइन करने का 1 मार्क, एग्जाम्पल देने का 1 मार्क, राइट। अभी मैंने आपको बोला व्हाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन करना, ये भी 3 मार्क में आ सकता है। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन मुझे इतना इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है, सो वो उसके अंदर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। हाँ देखो ये मैंने बोला था राइट वन इक्वेशन फॉर ईच, जिसके अंदर हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट और एक इक्वेशन दे दो, बोला था ना ये क्वेश्चन आएगा, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये ऑलरेडी 2 मार्क का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाना होता है दोनों का, और प्लस एग्जाम्पल दे दो, राइट। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अभी ये जो है ये रहा एक्स एलिमेंट, उसको पहचानना, ये रिएक्शन वो रिएक्शन फलाना ढिकना, ऐसे ऐड करते करते एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन, राइट। केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, ये जरूरत नहीं है, राइट। ऑयल फैट कंटेनिंग फूड नाइट्रोजन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन, ये दोनों 2 2 मार्क के क्वेश्चन है, हाँ ये 3 मार्क का हो सकता है, कोरोजन और रेंसिटी के ऊपर एग्जाम्पल के साथ नोट लिखना। तो ये हमारा हुआ चैप्टर नंबर 1, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ चैप्टर नंबर 3, इसमें से क्या पूछा जा सकता है 3 मार्क के अंदर वो फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों मैंने बहुत ही ध्यान से बोला है, कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है वो 2 मार्क में लिए इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में पूछी भी जाती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी 3 मार्क में इसलिए पूछी जाती है
कि केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसके इक्वेशन भी देने पड़ते हैं। तो इक्वेशन देना वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, तो ये इक्वेशन पहला आपको पूछा जा सकता है। अगर नसीब है तो फिजिकल प्रॉपर्टी का भी डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, और बहुत सारे पेपर पब्लिशर्स ये पूछ भी रहे हैं। अभी पेपर जो है ये सेक्शन जो है 3 मार्क का है, तो 3 मार्क के हिसाब से आपको कम से कम 3 + 3 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, जिसकी वजह से आपको पूरे 3 मार्क मिल पाए। तो 3 पॉइंट्स मेटल के, 3 पॉइंट्स नॉन मेटल के, इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। आगे यहां से पूछा जा सकता है ये, राइट, मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसका एक्टिविटी समझाओ। अगर नसीब अच्छे हुए तो ये इजी क्वेश्चन आपको 3 मार्क में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, वो समझाना है। उसके बाद मेटल्स के एक्सेप्शनल केसेस समझाने हैं, वो भी 3 मार्क में आ सकते हैं। 3 मार्क में 3 एक्सेप्शन आप समझा दो, तो ये एक्सेप्शन आप समझा सकते हो, क्वेश्चन पूछा सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन मेटालिक टर्म। नॉन मेटालिक के अंदर आपको सबसे पहले समझाना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन वो सारी चीजें मेरे हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इसके अंदर हम आगे नहीं जाएंगे। हाँ, अब एक एक करके रिएक्शन आ रहा है कि व्हाट हैपन इफ वी बर्न, राइट, व्हाट हैपन इफ वी बर्न ये मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसका रिएक्शन बताना होता है, उसको डिफाइन करना होता है, राइट। तो ये तरीका होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का और 3 मार्क के क्वेश्चन को अपने आप के अंदर जस्टिफाई करने का, राइट। तो ये यहाँ पे खत्म होती है बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन में ये इक्वेशन लिखना जरूरी है। अगर ये इक्वेशन लिखा है तो मार्क मिलेंगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा आपका, और ये उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक रिएक्शन आपने देखा हुआ है, मैं सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ही आपको इशारा करके दूंगा। हाँ, एक्टिविटी समझाना बोलता है कि एक्सप्लेन एन एक्टिविटी विच शोज दैट रिप्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये भी आप लोग यहाँ से ये सेम एक्टिविटी परफॉर्म करके हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ समझा सकते हो। नेक्स्ट आता है मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, और यहाँ पे ये वाला सिर्फ अकेले इसका ही 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी को करोगे तो बी जाएगा अकेला और सॉल्ट बन जाएगा ए का, तो यह पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसको डिफाइन करो और पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लिखो, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आराम से, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गेट रिएक्ट, ओके, उसके अंदर कोई उतना ज्यादा हमको नहीं करना है। हाँ, ये डॉट स्ट्रक्चर जो है वो 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग अबाउट 3 मार्क्स, सो यहां तक वो काफी रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, डेफिनेटली ये चीज आप लोगों को 3 मार्क में पूछी जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखो, तो कम से कम आपको 3 प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। रही 4 प्रॉपर्टी है, उसमें से मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको लिख के आ जाने हैं और अच्छे मार्क्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ मेटल। हर एक के लिए एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। लो रिएक्टिविटी सीरीज वाला, फिर मीडियम रिएक्टिविटी, एंड नेक्स्ट इज हाई रिएक्टिविटी। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए, राइट। सिर्फ फ्लो चार्ट भी पूछ सकते हैं, राइट, लेकिन वो 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए। उसके बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आगे के 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद आता है इसके अंदर थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस समझाओ, राइट। तो थर्मिट प्रोसेस समझाने का भी आपको यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोरोजन ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में कर दिया था, यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ही देखना है, राइट। अलग अलग तरीके हैं प्रिवेंट करने के, ये आपको यहाँ पे देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कोरोजन हो गया खत्म, ओके, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज में से देखते हैं 3 3 मार्क के क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, गिव 2 एग्जाम्पल। हर एक एग्जाम्पल का एक एक मार्क, डेफिनेशन का 1 मार्क, 3 मार्क हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं। हीरा एक्टिविटी, राइट, प्रत्यूष वाला, ये आपका 3 मार्क के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा।
टू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग द स्टिंग, ये 2 मार्क के लिए है, लेकिन अगर 2 की जगह पे 3 पूछे तो 3 मार्क का हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था। राइट, हो गया। एंड गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। ऐसे करके आपको दो रीजन के भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। राइट, रीजन एक, रीजन दो, रीजन तीन। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे गिव रीजन करके 3 अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर पूछे जाने वाले ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे नर्व सिस्टम जो है उसके अंदर सबसे पहला होता है ये न्यूरॉन के ऊपर शॉर्ट नॉट, राइट, अ शॉर्ट नॉट ऑन न्यूरॉन। राइट, एक ये क्वेश्चन होता है, उसके बाद होता है क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन या तो रिफ्लेक्स आर्क, उसके ऊपर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये रहा, आगे बढ़ते हैं अपने ब्रेन की तरफ। तो ह्यूमन ब्रेन और उसका फंक्शन समझाने के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है और ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद सीधा आएगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर सीधा प्लांट हार्मोन के बारे में। तो प्लांट हार्मोन बताओ, प्लांट हार्मोन का फंक्शन बताओ, तो फंक्शन के एक एक मार्क, हार्मोन बताने का 1 मार्क, तो यहाँ पर भी 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है ट्रोपिज्म, राइट, तो जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ये अलग अलग प्रकार के ट्रोपिज्म को भी समझाना आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है हॉर्मोन्स के बारे में, तो हॉर्मोन्स इन एनिमल्स के अंदर आप लोगों को बोल दिया जाए कि अलग अलग हॉर्मोन के नाम बताओ, उसके ग्लैंड बताओ। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगना चाहिए और होता भी है। राइट, तो यहां तक अपना ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते उसके एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज में मेन मेन क्वेश्चन टेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो मैंने आपको बता दिया। हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट, ये 2 मार्क का है। फोटोट्रोपिज्म के साथ और कोई भी एक ट्रोपिज्म डाल देंगे तो हो जाएगा 3 मार्क का। विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्बेड इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऐसे वाले 2 क्वेश्चन मिला देंगे। राइट, एक एक मार्क वाले दो तीन क्वेश्चन मिला के 3 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं। राइट, उसके बाद ये है, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस आर एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी आपको समझाना है। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, मोस्ट टाइम भी है कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करना। लास्ट क्वेश्चन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट, ये मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो ये हम नहीं करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 की तरफ। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सभी में से कोई एक समझाना। राइट, अलग अलग प्रकार आप लोग देख रहे हो, बाइनरी फिशन, फिर ये मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन के एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। मेरे हिसाब से बाइनरी फिशन और रीजनरेशन, ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये दोनों करने की मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं। बडिंग ठीक ठाक है, पूछा जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेना। स्पोर फॉर्मेशन कभी नहीं पूछा सकता, मतलब चांसेस बहुत ही लो है उसके पूछा जाने के। आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल, तो सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, तो ये आपको 3 मार्क में विथ फिगर पूछा जा सकता है। उसके अंदर आपको बताना होता है मेल पार्ट्स, फीमेल पार्ट्स। राइट, उसके बाद आपको पूछ सकता है पोलिनेशन के बारे में। राइट, तो पोलिनेशन के बारे में डिफाइन करो, पोलिनेशन के टाइप्स बताओ, टाइप्स के एग्जांपल दे दो, तो वो भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है एनिमल का रिप्रोडक्शन, राइट, ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स। तो ये क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। उसके बाद आता है, हाँ, व्हाट हैपेंस इज इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये आपको 1 मार्क के साथ आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐड करने को बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 3 मार्क का। राइट, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आप लोगों को डिजीज के बारे में और कॉन्ट्रासेप्टिव टूल किट उसके बारे में, राइट, पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन कंबाइन करके 3 मार्क के हो सकते हैं। राइट,
तो ये यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं उसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या क्या इंपोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज 3 मार्क में आ सकता है। उसके बाद ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ड्रॉ के साथ साथ एक्सप्लेन करना भी पूछ सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेक्शन, ये भी आपको डिफरेंट मेथड में आपको अलग अलग 3 मेथड समझानी पड़ेगी, राइट। उसके बाद हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी इन पॉपुलर स्पीसीज, ये कोई जरूरत नहीं, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट कुड बी रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये हो सकता है 3 मार्क का। तो अगर 3 मार्क का पूछा जाए तो अच्छे से 3 पॉइंट लिख के आपको समझाना है कि व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, डिजीज ना फैले, फिर प्रेगनेंसी को अपने हिसाब से प्लान करके कर सको, राइट, सेफ्टी मेजर्स के लिए, ये सब जवाब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट और लाइट रिफ्लेक्शन क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 मार्क का क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, लॉस। दो प्रकार के लॉस अपने को पता है, एक लॉस है रिफ्लेक्शन के, दूसरा लॉ है रिफ्रेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन दो प्रकार के लॉस आपको विथ फिगर इसके अंदर आ सकते हैं। आगे देखते हैं मिरर्स, राइट। तो आपको कोई भी एक मिरर के लिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स के लिए, आपको एक प्लेस दिया जाए ऑब्जेक्ट का, बोला जाए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो इमेज कहाँ मिलेगा, फिगर बता के समझाओ, और इमेज का क्या बोलते हैं नेचर साइज भी बताओ। ये तो आपको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मार्क के इसके अलावा सम्स भी आते हैं, राइट। तो सम्स भी पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। उसके बाद यूजेस दोनों के, राइट, स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज के यूजेस भी आपको, राइट, लेंस और मिरर दोनों के यूजेस आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरह पूछे जा सकते हैं, आने चाहिए सब लोगों को। रे डायग्राम भी कर लेना एक बार, यूज तो मैंने आपको बोल दिया, ओके। साइन कन्वेंशन, राइट, साइन कन्वेंशन विथ फिगर जो है वो 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये रासायनिक कन्वेंशन, राइट। उसके बाद मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं क्योंकि वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट, ओके। ऐसे वाले सम में खास करके ये एग्जाम्पल नंबर 9.1 कर लेना, ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये भी क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेंस, लेंस के हाँ, लेंस के अलग अलग टर्म्स समझाने को बोलेंगे, सेम मिरर में भी समझाने को बोल सकते हैं। तो अलग अलग 3 टर्म्स दे दिए, तीनों को डिफाइन करो, तीनों को फिगर के हिसाब से दिखाओ, तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन लेंस हो गया, लेंस के लिए भी आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ऑब्जेक्ट रखा है एफ पे, या तो ऑब्जेक्ट रखा है 2F पे, तो इमेज कहाँ पे मिलेगा बताओ, चलो कैसा मिलेगा उसका प्रॉपर्टी बताओ, ये सब कुछ चीजें आपको पूछ सकते हो। रे डायग्राम यहाँ पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट ये मेरे लिए, हाँ ये 9.3 क्वेश्चन नंबर 9.3 आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आप मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ओके ये रहा 9.4 एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, 9.4, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस जो है वो वैसे तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन साथ में कोई एक सम दे दे, राइट, सम काउंट करने को दे दे, तो वो पक्का 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, राइट। उसके लिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, नेम द मिरर और लेंस, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन 10th वन, उसके बाद 12th वन, उसके बाद 14th वन, 15th वन, राइट। नेक्स्ट इज हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी 11 नंबर का, इसके अंदर क्या क्या पूछा सकता है, सबसे पहले डिफरेंस पूछा जा सकता है, ओके। डिफरेंस किसका, सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस। उसके बाद पूछे जाने वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से ही देख के कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपको पूछा जा सकता है, वेट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, राइट। तो वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट को डिफाइन करो, उसका फॉर्मूला बताओ, उसका यूनिट बताओ, ये आपको 3 मार्क में हो सकता है क्वेश्चन। सर्किट डायग्राम के अंदर आपको अलग अलग सिंबल्स देखें, सिंबल को पहचानने के लिए
दो मार्क में दे सकते हैं, 3 मार्क में चांसेस कम लग रहे। हाँ, ओम्स लो समझाओ, उसका फॉर्मूला डिराइव करो, उसका यूनिट बताओ, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ओम्स लो यहाँ से डिराइव स्टार्ट होता है। हाँ, ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गिवन मेटालिक वायर इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। ये लिखना जरूरी है। तो शुरू यहां से होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, V बाय आई इज इक्वल टू आर, जो कि कॉन्स्टेंट होता है, और वो ये रेशियो कॉन्स्टेंट होने की वजह से ही आपको ग्राफ जो है वो रिलेशन का स्ट्रेट लाइन में मिलता है। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कर लेना आप लोग, राइट। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, इस बार कम लग रहा है चांसेस पूछे जाने का, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं, प्रूव करके दिखाओ कि आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये सीरीज का है, पैरेलल का है। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसको विथ फिगर प्रूव करके दिखाओ। तो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये अपना एग्जाम्पल, ये अभी अभी खाया, ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रहा इलेक्ट्रिक लैंप उस रेजिस्टेंस से इतना, तो 11.7 आपके सामने ही रखा हुआ है ताकि कंफ्यूज नहीं होना। बुक चाहे पुरानी हो नहीं हो, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरेलल हो गया अपना, सीरीज भी हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मिलेगा, हाँ ये रहा, ऐसी कोई फिगर दे दी जाती है और सम काउंट करना है, इसका करो पूरी सर्किट का करो, राइट। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कर लेना। हीटिंग इफेक्ट, हाँ 3 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इज जूल हीटिंग, व्हाट इज जूल्स हीट, अलग अलग फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका वैल्यू पूछते हैं, उसका यूनिट पूछते हैं, उसका फॉर्मूला पूछते हैं, ये सब कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। उसके बाद हाँ ये रहा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर शॉर्ट नोट 3 मार्क्स की हो सकती है। सबसे पहला होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद यूनिट एंड फॉर्मूला, उसके बाद कन्वर्जन, राइट, फॉर मेन यूनिट टू कॉमर्शियल यूनिट, कन्वर्जन। ये 3 चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी, राइट। तो उसके हिसाब से ये चैप्टर हो गया खत्म। अभी इस चैप्टर के अंदर आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सबसे पहला ये क्वेश्चन कॉपर वायर है, उसके बाद ये, उसके बाद हाउ मेनी, उसके बाद हॉट प्लेट। ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए इस पेपर में भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू लैंप्स आर रेटेड इलेक्ट्रिकल हीटर, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये सारे क्वेश्चन व्हाई 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 हाउ व्हाई, ये रीजन के जगह पे आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको जो बोला वो शांति से देखना। मेरा मानना है कि मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए वो आपको टोटल सिलेबस में से, मतलब ये 6 चैप्टर्स 1, 3, 6, 7, 9 और 11, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं, वो 6 चैप्टर्स में से भी मैंने आपको 40% रिड्यूस करके दिया। तो बाकी का जो 60% बचता है उसमें तो अपनी मेहनत लगती है, राइट। तो वो मेहनत आप लोग करेंगे, मुझे भी पता है, विश्वास है, और आप लोग जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा, राइट। तो विदाउट स्ट्रेचिंग द वीडियो एनी मोर, यहां तक मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में से जो जो कुछ देखेंगे उसमें जो भी आप फील कर रहे हैं वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो फटाफट में अपलोड करूंगा सेक्शन डी के लिए, कि सेक्शन डी में हम लोग क्या कर पाते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, ख्याल रखो और मेहनत करते रहो, जरूर फल मिलेगा। क्योंकि मैंने भी 1 जनवरी को चैनल शुरू किया था, आज अपना चैनल 250+ पहुंच चुका है, राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने से जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत करने पे मेहनत का फल मिलता है। तो जरूर मिलेगा, कोई बात नहीं, अपना चैनल भी कभी ना कभी 1K पे पहुंचेगा। 1K क्या, 10K भी जाएगा, मिलियंस में भी पहुंचेगा, भगवान की जो इच्छा होगी वो होगी। हम लोग तो मेहनत करेंगे और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगे, राइट। तो ये मेरा मानना था, मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, राइट, तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो,
ताकि उनको भी अच्छा अच्छा सीखने का मौका मिले और वो लोग भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आए और उस स्कोर का यश कहीं ना कहीं इस चैनल को जाए, मुझे नहीं जाए, राइट, इस चैनल को जाएगा, इस चैनल का जो काम हुआ आप लोगों का उसके लिए। चलो तो यहां तक रखते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।